हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम आए हैं जी अमृतसर के देवराज अंकल जी के पास, जो कि अपने 40 साल से अमृतसर की लुचियां का काम कर रहे हैं, जिसे पेपर पूड़ी भी बोलते हैं। तो अगर आप अमृतसर में विजिट करते हैं, तो अगर आपने लुचियां नहीं खाई तो आपका जो विजिट करना है अधूरा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर ही बनती है और कहीं नहीं ये तैयार हो सकती, क्योंकि अमृतसर के पानी में ये जो बरकत है जिससे ये लुचियाँ तैयार होती हैं। और साथ में मिलेंगे जी इनके जो बड़े ही सिंपल से चने, साथ में इनका इमली का खट्टा होता है, और ये छापे के ऊपर ये सारा जो है मतलब अपना रख के सेटअप लेके आते हैं यहाँ पर। और लोकेशन तो बड़ी इनकी फेमस है जी, अपने DAV कॉलेज वाली लेन है, जो एंटर करोगे वहाँ पर बिल्कुल बाहर अपने लेफ्ट साइड पर ही जो है अपनी छापा लगाते हैं। तो सुबह 8 बजे आते हैं, 10 बजे तक रहते हैं, यानी कि 2.5-3 घंटे में ही इनका सारा सौदा बिक जाता है और काफ़ी रश होता है इनके पास। और बाकी हम करेंगे अंकल जी से बात और देखेंगे भी कैसे तैयार करते हैं और कैसे ये मतलब प्रिपेयर करके आपको प्लेट बना के देते हैं। जो प्लेट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है जी, ढूंढने में ये चने डालते हैं और साथ कागज के ऊपर ही ये अपनी लुचियाँ रख के देते हैं आपको। तो चलिए गाइस, करते हैं जी इनसे बात। से अंकल जी, तो अंकल जी आपको टोटल 40 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए, तो यहाँ पर ही आप काम करते हो शुरू से, यहाँ से मतलब छाबा तैयार करके यहाँ पर आ जाते हो। तो अंकल जी बताइए कैसे ये तैयार होती है लुचियाँ वगैरह। अच्छा, मैदे की होती है। अच्छा, इसमें क्या डालते हो और जो मसाला पड़ता है। अच्छा, जो खमीर वगैरह इसको करना होता है उससे तैयार होती है। और मैं देख रहा हूँ मतलब शुरू से ये अमृतसर में बनती आ रही हैं और कहीं नहीं किसी भी शहर में ये लुचियाँ नहीं तैयार हो सकती। अच्छा, अमृतसर शहर में ही बनेगी। और आपको हो गया 40 साल से ऊपर यही काम करते हुए, और साथ में क्या क्या देते हो जी? चने देते हो? चने देते, खट्टा प्याज साथ देते। ठीक है जी, और बड़ा सिंपल तरीका है, कागज के ऊपर रख के डूने में आप चने देते हो। तो कितने की प्लेट होती जी ये? 20 रुपये की, यानी कि 10 रुपये की एक मतलब पेपर पूड़ी। इसको पेपर पूड़ी बोले जाते हैं और अमृतसर में अपना अपना मतलब है। जो मेन इसका नाम है लुचियाँ है, अमृतसर की लुचियाँ। तो अंकल जी यहाँ पर कितने बजे आ जाते हो? 8 बजे। कितने बजे तक रहते हो? 10:30-11 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक। उसके बाद मतलब आपका सौदा बिक जाता है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, काफ़ी रश होता है जी इनके पास। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं क्या क्या रखा हुआ है। बिल्कुल गर्मा गर्म चने हैं, देखिए कितने सिंपल से चने हैं। थोड़ा बताइए चने में मसाले वगैरह कौन से होते हैं? अच्छा, मतलब गर्म मसाले हो गए, सारा कुछ हो गया ना। ये देखिए खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। और ये देखिए प्याज काट के रखे हैं, साथ में तवा लगाया है छोटा सा। और ये लुचियाँ हैं ना आपकी, थोड़ा दिखाना हाथ में पकड़े अंकल जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये होती हैं जी अमृतसर की फेमस लुचियाँ। तो कभी इस साइड में आएँ DAV कॉलेज के पास में, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंकल जी बैठे होंगे। और बड़ा सिंपल सा इनका सेटअप है, ये देखिए कोयले के ऊपर ये सारा गर्म वगैरह करते हैं। ये देखिए ऑर्डर आ गया, तो अब गर्म करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा सेक लेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब पहले बन के आई हुई है अब अच्छी तरह। इसको सेक लेंगे, साथ में चने देंगे और हम भी अपनी जो प्लेट है वो भी तैयार करवाएंगे। तो ये कोयले के ऊपर ही मैं गर्म रहता है जी। ये देखो दोस्तों, ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है जी जो सर्व करने का, जो शुरू से चलता आ रहा है। तो अंकल जी थोड़ा बताइए, ये मतलब लुचियाँ शुरू कब से हुई थी अमृतसर में? हमारे से पहले चलती। अच्छा, आपसे भी पहले से चलती आ रही है। आपको हो गए 40 साल, जाने के मतलब 70-80 साल से ऊपर ही है इसका टाइम। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों अपनी प्लेट तैयार करवाते हैं। छोटा सा सेटअप है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह सेक लेंगे। वो देखो जी तवे के ऊपर सेक रही है, नीचे कोयला लगाया है आपको पहले मैंने बताया। तो दो लुचियाँ मिलेंगी हमें? दो लुचियाँ 20 रुपये में। क्या बात है जी, क्या बात है। लुची का साई भी कोई छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा साई रखा हुआ है। तो देखिए छापे के ऊपर ही छोटा सा जो आटा भाजी, शुरू से ऐसे चलता आ रहा है ना जी। ठीक है जी, चने देखिए, चने भी डालेंगे अब। चने में से ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, मसाले वगैरह डाले होते हैं आपने इसमें? तो अंकल जी शाम को भी आते हो? 6:30 बजे।
लो ये चने जितने मर्जी ले रहे हैं लोग, दे देते हो अंकल जी, दे देते हो। लो जी मिर्ची आ गई ऊपर, मिक्स कर दिया अच्छी तरह, प्याज आ गए हमारे, और ये इमली का खट्टा है ना, ठीक है जी। तो ये प्लेट तैयार हो गई, और ये 20 रुपए की प्लेट है जी। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों करते हैं एंजॉय, फिर बताते हैं। दो जी तैयार करवा लिए जी हमने अमृतसर की फेमस लुचियाँ, और साथ में मिले हैं चने, और दो लुचियाँ ली हैं। लुचियाँ भी कुछ काफ़ी मतलब बिल्कुल आप इसको पेपर पूरी नहीं बोल सकते, काफ़ी हैवी है, और इनको 40 साल से ऊपर हो गया अपना काम करते हुए, और यही इनका पक्का अड्डा है। DAV कॉलेज वाली लेन के बिल्कुल बाहर बैठते हैं, और पास में अपना हाथी गेट है, पास में हाल बिहार है। तो चलिए दोस्तों साथ में, तो सिंपल चने मिले हैं, उसमें इन्होंने हरी मिर्च और प्याज डाले हैं, तो बाइट करते हैं जी। बाकी ये मैदे की तैयार होती है, इसमें कोई स्पेशल जो इनका शुरू से चलता आ रहा है खमीर, वो लगाते हैं जिससे ये लुच्ची का जो शेप बन जाता है और टेस्ट खाने में बहुत ही बढ़िया होता है। चने बिल्कुल सिंपल है, हल्दी वगैरह अच्छी तरह डाली हुई इन्होंने। औसम 200 औसम, बहुत ही बढ़िया। बचपन में हमने बहुत ही अमृतसर की लुचियाँ खाई हैं, वैसा ही टेस्ट आ रहा है अभी भी, है वैसा ही टेस्ट है, कोई टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। 100 गुड़ दोस्तों, 100 गुड़। जो चने का कलर है, शेड है, वो येलो है, मतलब काफ़ी इन्होंने हल्दी वगैरह डाली हुई है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, कभी आप अमृतसर आए तो अमृतसर में अंकल जी की लुचियाँ जो खा के जाना, बड़े ही फेमस है अपने अमृतसर की लुचियों के लिए। सुबह 8 बजे आते हैं, 10:30 तक रहते हैं, और शाम को 6:30 बजे यहीं पर ही आते हैं, और बड़ा सिंपल है इनके पास आना। तो दोस्तों ऐसे अपने छोटे भाई को अपना प्यार देते रहना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना।